बोलना चाहूंगी कि सब लोग जो है अपने आप को म्यूट कर दीजिए, म्यूट मोड पे, और अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। बोलिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब लोग अपना अपने आप को म्यूट कर दीजिए और अपनी वीडियो भी ऑफ कर दीजिए, ताकि जो है ब्रांड जो है प्रॉपर इंटरनेट की सुनने की देखने की प्रॉब्लम जो है आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। जो है मॉड्यूल 3 है, इसमें हम बताएंगे कि ट्रेनिंग सेशन को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, इजी तरीके से एक सुटेबल एनवायरनमेंट में किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हमारे जो आज का मॉड्यूल है, इसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, पूरा जो मॉड्यूल नंबर 3 है जिसमें हम फैसिलिटेट जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो हम किस तरीके से अपने ट्रेनिंग सेशन को अच्छी इजी तरीके से रन कर सकते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने हैं कि हम क्या करना चाहते हैं अपने ट्रेनिंग प्लान को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, ताकि उसको आप जो जितने भी ट्रेनिंग्स हैं आपको बेनिफिट मिले, टाइम टू टाइम आपके नीड के अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर पाएँ, या फिर हम उसको इवेलुएट कर पाएँ मॉड्यूल्स को, ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बताएंगे और आप किस तरीके से उस डिजायर्ड आउटपुट को लर्न करते हैं। ये सारे ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इस मॉड्यूल के थ्रू हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। क्या करना चाहिए कि हमें एक फोकस रखना चाहिए, ट्रेनर्स मस्ट ऑलवेज हैव फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग, ताकि हम जो है एक सक्सेसफुल लर्निंग को कंडक्ट कर सकें। दूसरा हमें दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग, हम इस तरीके के फैसिलिटेटर्स होने ताकि जो है अच्छे से प्रॉपर लर्निंग को कंडक्ट करा सकें। थर्ड सेशन कहता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट कहता है इफेक्टिव ट्रेनिंग्स कैसे करिए हम अपने सेशन को इंटरैक्टिव बना सके, ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, जितने भी ट्रेनर्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, उनके साथ एक इंटरैक्शन चल सके। जैसे कि अभी हमने आपके साथ क्विज करी, कुछ कुछ क्वेश्चन हमने आपसे पूछे, तो ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि फैसिलिटेटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डेमोस्ट्रेटिंग ट्रेनिंग प्लान, हम अपने ट्रेनिंग प्लान को डेमोस्ट्रेट करने के लिए वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो पहला हमारे पास कहता है कि हमारा डेमोस्ट्रेट ट्रेनिंग प्लान एंड हाउ द ट्रेनी वुड बेनिफिट फ्रॉम इट, कहता है कि जो हम प्लान बना रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्लान हमने आप लोगों के लिए बनाया है, जो MPSC ने आपके लिए बनाया है, प्लेटफॉर्म स्किल्स ट्रेनिंग आपके लिए बनाई है, उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आपको आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाएंगे, आप मैक्सिमम लोगों को आगे ट्रेन कर सकते हैं। तो दिस इज अ बेनिफिट फॉर यू पीपल। सेकेंडली हमारे पास कहता है कि एक ट्रेनिंग प्लान को डेमोस्ट्रेट करने के लिए और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं, हमारा ट्रेनिंग प्लान जो है टाइम टू टाइम मॉडिफाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास है, वो मार्केट कंडीशन है, जिस तरीके पार्टिसिपेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, उन सबके अकॉर्डिंग हमारे लिए मॉडिफाई होना चाहिए और इवेलुएट भी करना चाहिए, ताकि जो है हम अपनी चीज़ों को अपडेटेड रख पाएँ। टाइम टू टाइम जो है हमें क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे हम उससे हमें पता चलेगा कि आप कितना लर्न कर पा रहे हैं, कितना आप सीख पा रहे हैं, उसके बेसिस पे ही हम उसके अंदर इवैल्यूएशन कर पाएंगे, उसके बेसिस पे ही हम कुछ ना कुछ आपको मॉडिफाई करके दे पाएंगे। तो ये आपको देख लिया आपने, कभी भी प्लान जो हमारे को जो प्लान बनाया होता है उसके बारे में हम पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं इस सेशन से आपका क्या फायदा होगा, और अगर जरूरत पड़े तो हम अपना प्लान चेंज भी कर सकते हैं। समय समय पर इसके प्रति प्रश्न भी पूछते रहिए
और कुछ भी क्लैरिफाई होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लैरिफाई हो जाएगी, क्या सब लोगों को हमारा ट्रेनिंग प्लान जो है वो काम करेगा उनको, और हमारा ट्रेनिंग प्लान है क्या, और हमारे को यहाँ पे लोगों को अपने ट्रेनीज को एनकरेज करना चाहिए और उनसे उनसे कुछ बुलवाना चाहिए। ओके ओके यस अनु, नाउ अभी आप क्या देख रहे हैं कि एक इफेक्टिव फीडबैक को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इफेक्टिव फीडबैक कैसे दिया जाता है। ऐसे हमें पता है कि फीडबैक जो है किसी भी तरीके का एक पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों ही जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव बताते चलेंगे तो हमारी कमियां हमें कौन बताएगा, और अगर हम हमेशा कमियां ही बताते रहेंगे तो हम मोटिवेट कैसे होंगे आगे काम करने के लिए। उस चीज को कम करने के लिए, उस चीज को देखने के लिए हमें एक टेक्निक है हमारे पास, फीडबैक सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक हमारे पास क्या कहती है कि कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी ट्रेनी, कोई भी ट्रेनर आपके पास आता है और अगर आपके उसको आपको पता है कि आपको उसको फीडबैक देना है, तो आप उसे आते ही एक नेगेटिव तरीके से डांटना या उसकी नेगेटिव कमियां, जो भी उसके अंदर कमियां है उसको गिनवाना शुरू नहीं करते। आप उसको एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, पहले आप उसके अंदर जो उसने अच्छा कार्य आपके यहाँ पर किया है, काम किया है, उसके बारे में आप उसको बताइए कि उसने किस तरीके से अच्छे ये काम जो है करे हैं। फिर उसको बताइए कि आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते, आप ज़्यादा चिल्ला के मत बात करिए, आप आराम से बात करिए, आप जो है अच्छे से प्रेजेंट करके समझाइए, आप अपनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कीजिए। तो ये आप उसको एक नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं कि किस तरीके से वो नेगेटिव फीडबैक है उसका, उसको फिर वापस उसको कंस्ट्रक्टिव वे में उसको ले आइए कि मोर पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। पॉजिटिव से शुरू करना है, उसकी कमियां आपको बतानी है बीच में, फिर आपको स्टिल उसको बाद में एट द एंड आपको क्या लेकर आना है, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव मोड पे लेकर आना है, यानी कि मोर पॉजिटिव चीज़ें आपको उसको बतानी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो। उसको ऐसा भी ना लगे कि उसको सिर्फ इसकी नेगेटिव फीडबैक देने के लिए बुलाया था, और उसको ऐसा भी ना लगे कि उसके अंदर जो कमियां है उसको बताई नहीं गई। इस तरीके से उस चीज़ों को समझाया जाए, इसको हम कहते हैं फीडबैक सैंडविच टेक्निक। नेक्स्ट स्लाइड सर, याद रखने के लिए आप इसको पी एन पी समझ लीजिए, पी पॉजिटिव, फिर एन नेगेटिव, और पी फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव से शुरू करेंगे, फिर उसको नेगेटिव फीडबैक दिए, और पॉजिटिव से ही अंत करेंगे पी एन पी। के सामने ये टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिन मेथड, ये इतने सारे जो हमारे एडवर्स मेथड्स हैं, ये कुछ तो आपको पिक्चर से ही समझ में आ रहे हैं कि हमारे ये मेथड्स जो है क्या कहते हैं। जैसे कि आपके पास में ग्रुप डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, आप इस पिक्चर से समझ पा रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग बैठे और आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर कर रहे हैं। हमारे पास मेरे पास कुछ व्यूज हैं, कुछ मेरे पास बातें हैं, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कोई भी एक पर्सन होगा, एक पार्टिसिपेंट होगा, वो आप लोगों से शेयर करेगा, जिससे कि हमारी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरीके से हमारे पास जो है डेमोस्ट्रेशन है, किसी चीज़ को दिखा के समझाना, रोल प्लेइंग्स हैं, फिल्म एंड वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं, सिमुलेशन हैं, टास्क ऑरिएंटेड लर्निंग है, खुद से जो लर्न करना है, ओटी की हमारा वहाँ ट्रेनिंग्स हैं, गेम्स हैं, कुछ गेम्स करना, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करना, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करना, आइस ब्रेकिंग सेशन, जैसे हमने बात करी कि भी हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे हमेशा आइस ब्रेकिंग सेशन के साथ। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं, इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ में हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हमारे पास वो यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जो ये जो कुछ मेथड है, फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास है लेक्चर। लेक्चर एक बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेथड है, हमेशा ये स्कूल्स में भी यूज़ होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ होता है, कंपनीज में भी यूज़ होता है, हम भी यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, अभी हमारा डिजिटल भी कर रहे हैं। अगर आप एक क्लासरूम में, एक रूम में, एक ऑडिटोरियम में, एक सेमिनार हॉल में अगर बैठे हो, तो वो भी हम अगर हम वर्बली जो हम जो बता रहे हैं, वर्बली जो हम आते आपसे शेयर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारा सारा क्या है, लेक्चर है। वर्बल प्रेजेंटेशन जो भी इंस्ट्रक्टर दे रहा है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को, उसको हम क्या कहते हैं, लेक्चर कहते हैं। और ये लेक्चर हमारे क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है इंस्ट्रक्शन का, ट्रेडिशनल मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। और मेन एडवांटेजेस है जो हमारा इसका है, वो लेक्चर मेथड का, कि हम एक टाइम पे
एंड नंबर ऑफ ऑडियंस को गाइड कर सकते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, उसमें 500 लोग 1000 लोग एक साथ बैठते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों को एक साथ में गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। दूसरा, हम ये जो लेक्चर है इसका जो हमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ की पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए कि जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो हमारा जितने भी हमारे सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं उनसे हमारा आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कुछ लोग बैठे हैं और हम अपने नीचे किताबों में देख रहे हैं, हम अपने इधर उधर देख रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। ये हमारे पास शो करता है कि हमारे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमारा आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। हम जो बात कहना चाह रहे हैं, जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो क्लियर होने चाहिए, एकदम क्लियरली बताना अपने पॉइंट से हम होने चाहिए। ऐसा नहीं है जो पॉइंट है उसे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इधर उधर हो जाए और जो पॉइंट है वो हमारा रह जाए और हमारी मीटिंग जो है या हमारा ट्रेनिंग सेशन जो है पूरा खत्म हो जाए। थर्ड, हमारे पास कहता है कि हमारे हमें स्टूडेंट्स या हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या ट्रेनिंग हैं हमारे, उनके साथ हम फेस करें, उनको हम फेस करें। नेक्स्ट, हमारे पास जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं लेक्चर की, तो जो मेन एडवांटेजेस है हमारा इसका कि जो आप हम एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें हमारी कॉस्ट जो है पर ट्रेनिंग बहुत ही कम लगती है हमें जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। कुछ हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, मतलब हम जो है आपस में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, और ये ऑरली प्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट हमारा जो मेथड आता है दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, देखो हमारे पास दो तरीके वैसे मेथड, और ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दो मेथड्स होते हैं। ऑफ द जॉब मेथड जो होता है वो हमारा एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके किया जाता है, बट यहाँ पर हम जो कह रहे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो हमारा होता है ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड होता है जो हम रियल इन्वायरमेंट में करते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग रियल इन्वायरमेंट में क्रिएट करके दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसका उदाहरण जैसे है, अगर हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, एक ऑटो सर्विस टेक्नीशियन है, गाड़ी को रिपेयर कैसे किया जाता है, तो कुछ तो हमने क्लास में पढ़ाया और फिर उसको हम वर्कशॉप में ले जाते हैं। जब वर्कशॉप में ले जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे जो एक्चुअली वर्कशॉप हो रही है वहां पे जाके उसको उससे काम करवाया जाता है, तो वो होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब देखो ये कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है जो कहते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो है उसको हम फ्रीक्वेंटली यूज ट्रेनिंग मेथड है हमारा, हम इसको हमेशा यूज करते हैं। क्यों शुरू यूज करते हैं कि न्यू स्किल्स जो है हम कुछ लर्न करके आए हैं, अगर हम एक्सपीरियंस पर्सन है तो किसी पिछले ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सीखकर आए हैं, और यदि हम फ्रेशर भी हैं, अगर हम फर्स्ट टाइम आप एक ट्रेनिंग की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, नए फर्स्ट टाइम इस सिस्टम में एंटर करना चाह रहे हैं, तो हम नए स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। और दूसरा, ये जो ट्रेनिंग होती है ये स्पेसिफिक टू द जॉब टास्क होती है कि डैट इज हम एक्चुअली जो हमें अभी हमें पता है कि हमारा स्क्रू ड्राइवर क्या है, हमारा पेचकस क्या है, हमारा क्लास क्या है, लेकिन जब हम सिस्टम में जाएंगे, हम एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो हम एक्चुअल में देख पाएंगे कि हमारी मशीन्स क्या क्या हैं, हमारी टूल्स क्या क्या हैं, हमारे इक्विपमेंट क्या क्या है, हमें उसे किस तरीके से यूज़ करना है, उनके प्रोसीजर्स क्या हैं, तो वो सब हमें फ़ायदा होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमें दिखा रहे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि एडवांटेजेस क्या हैं, कि ये हमें एडवांटेजेस हमें एक रियल फील देता है जॉब की, कि हमें लगता है कि हाँ हम जो है एक रियल जॉब इन्वायरमेंट में आ गए हैं। दूसरा, हम जो भी इक्विपमेंट, जिस भी प्रोसीजर, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें काम करना है, वहाँ जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, उनसे हम फैमिलियर हो जाते हैं, और जब रियल में हम उस जॉब में आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए वो अननोन नहीं होती चीज़ें, हमारे लिए वो नोन चीज़ें होती हैं, हमें पता होता है कहाँ से उसको ऑन करना है, कहाँ से उसको ऑफ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेन एडवांटेजेस यही हैं, और ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। दूसरा हमारे पास आता है कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो मेन हमारे जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, वो ये है
कि जो हमारा जो जो एम्प्लॉयर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहते हैं कि हमारा थोड़ा सा जो रनिंग हमारा काम जो चल रहा होता है, जो डे टू डे रूटीन की हमारी ट्रांजेक्शन होती है, काम होता है, वो थोड़ा सा हमारा रुक जाता है। बिकॉज हमें जो ट्रेनर है जो हमारे पास आए हैं, हमें उनको सिखाना है, प्लेटफॉर्म पे सिखाना है, हमको रियल इन्वायरमेंट में ले जाके सिखाना है, तो वो हमारा थोड़ा सा जो है पर रुक जाता है, क्योंकि हम अपने अपने टास्क को छोड़ के हमें अपने गाइड को, अपने जो ट्रेनर्स हैं उनको गाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये देखिए, हमने ये स्लाइड पहले भी दिखाई थी और इसमें 10-12 है ट्रेनिंग के तरीके, दो आपको बता दिए हैं, बाकी आप थोड़ा डिटेल में आपके पास मटेरियल है आप उसको पढ़ लीजिए, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। और वैसे भी ये सब जो है सब पिक्चर से समझ में आ रहे हैं कि लाइक आपका जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डेमोंस्ट्रेशन है, फिल्म्स एंड वीडियोस है, स्टोरी टेलिंग है, ये सारे पिक्चर से समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके के मेथड्स हैं। बहुत इजी है, आप अपने मॉड्यूल के गो थ्रू जाइए, एक बार सेल्फ स्टडी करिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि हम अपने डिजायर्ड आउटपुट को कैसे अचीव कर सकते हैं। हम अपने आउटपुट को जो हमें पता है कि हमें किस तरीके क्या आउटपुट चाहिए, लाइक हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमें हमें आउटपुट हमें पता है कि हम इस ट्रेनिंग से आपको हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हम आपको एक सर्टिफाइड ट्रेनर बना पाएंगे, ये हमारा आउटपुट होगा। किसके थ्रू, किसके माध्यम से, आपकी असेसमेंट के माध्यम से, आपके टेस्ट के माध्यम से। तो यही कह रहा है कि हमारे पास की ट्रेनिंग को क्या करना है, इवैल्यूएट ट्रेनिंग मेथड्स एंड ट्रेनिंग एड्स। अपने मेथड को जो भी हम यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग मेथड्स को, ये जो हम यहाँ स्लाइड यूज कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग एड्स यूज कर रहे हैं, वो जो है हमारा कॉन्टिन्यूसली जो है इवैल्यूएट होना चाहिए। एक क्विक रिकैप जो है हमारा मॉड्यूल 3 का कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अब तक प्रिंसिपल्स पढ़े हमने एक्टिव लर्निंग के, स्ट्रैटेजीज पढ़ी हमने, फीडबैक पढ़ा, टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ा हमने, और हमें हमारे ट्रेनिंग मेथड्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ट्रेनिंग एड्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो इंस्ट्रक्टर लेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, हमारा कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है हमारे किसी भी कार्य की, काम करने की कितने बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, उसको हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। और ये क्लासरूम ट्रेनिंग की बात करेंगे, एक क्लासरूम ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे जब क्लासरूम ट्रेनिंग की जाती है तो वहां पे हमेशा एक हम पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ताकि एक हमारे पास सेशन प्लान होता है, उस सेशन प्लान में हमने कुछ पहले से निर्धारित की होती हैं चीजें, उनको मीट करना, उनको उसके हिसाब से चलना। और फिर अगर किसी भी वजह से कोई उसको 19-21 करना हो मॉड्यूल को, अपने लर्नर को मद्देनजर रखते हुए वो भी कर पाए, और फिर हम अलग अलग तरीकों से ट्रेनिंग कर पाए, और फिर जहां भी हम ट्रेनिंग करें वहां का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ और सेफ होनी ये जरूरी होती है। ओके, तो इसके आगे हम साथ साथ में स्लाइड्स करते हैं और साथ साथ में बताते जाते हैं कि एक जो ट्रेनर होता है, हमने पहले भी आपसे बात की है, ट्रेनर एक सब्जेक्ट मैटर में भी एक्सपर्ट होता है और वो सोशल एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोग उसको आइडियल मानते हैं, लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं, और जैसा वो करता है वैसे ही लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, उनके बात करने का, उनके कपड़े पहनने, लोगों से डील करते हैं, तो ये लोगों में वैल्यू पैदा करते हैं, तो इनको हम सोशल एजेंट कहते हैं। और हाँ, ट्रेनर और टीचर में ये फर्क होता है, हम ट्रेनर एज ए फैसिलिटेटर होते हैं, फैसिलिटेटर मतलब कि हम एक किस्म के मार्गदर्शक होते हैं, हम उनसे उनको सही रास्ता दिखाने में हम उनकी मदद करते हैं, उनकी लर्निंग में हम उनकी मदद करते हैं, सीखना तो उनको है तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये हमारा एक जो रीजन होता है, जो एक ट्रेनर का क्या रोल रहता है।
पहले एक मैडम ने बताया था कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल के आधार पर होना चाहिए, और लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग क्या कहती है, जहां पे इंटरैक्टिव हो, जहां पे हम ट्रेनर्स के साथ मिलजुल के और उनको साथ रखे हम आके अपनी ट्रेनिंग दें। जैसे क्वेश्चन पूछना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर देना, कोई भी डिस्कशन है उसको हमने मॉडरेट करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको इनकरेज करना, फिर जब तक हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन भी करना, आज मैंने बात कर रहे थे असेसमेंट और इवैल्यूएशन की, इससे लर्नर को भी पता चलता है वो कितना सीखा है और ट्रेनर को भी पता चलता है कि वो हम सिखा रहे हैं वो कितना सीखा रहे हैं। तो ये सब चीजें मद्देनजर में रखते हुए अभी जब हमने अपनी क्लास में आगे ट्रेनिंग शुरू करनी है, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ तस्वीरें हैं कि हमने कैसे आगे ट्रेनिंग को ओपन करना है। फिर जब पहली बार कुछ लोग मिलते हैं, कोई वन डे सेशन होता है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, तो पार्टिसिपेशन जो लोग होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन लेनी, फिर हम किस रीजन से इकट्ठे हुए यहाँ पे इसकी क्लैरिफिकेशन करनी, फिर क्या सब लोग समझ पा रहे हैं हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में हम कहाँ पहुंचेंगे, फिर हमारे पास एक टाइम टेबल होता है, हमारे को पता कर देना चाहिए कि ये टाइम टेबल है सब इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये टाइम लिखा है, ये ड्यूरेशन लिखी है, इस टाइम पे ये पीरियड होगा, इस टाइम पे ये एक्टिविटी होगी, ये प्रैक्टिकल होगा, इस टाइम पे लंच ब्रेक होगा, ये चीजें एग्री होनी चाहिए, और हमारे को ये कोशिश होनी चाहिए जो हमारा लर्निंग का वातावरण रहेगा वो बिल्कुल इतना रहेगा वहां पे लर्निंग अधिकतम लर्निंग हो। ट्रेनिंग का मकसद यही है, ट्रेनिंग हम अगर करते हैं तो उसका मकसद ये है लर्निंग होनी चाहिए। तो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी ट्रेनिंग सेशन, ये जो आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये इन पे बहुत बड़ा निर्भर करता है। जैसे असेसमेंट टेस्ट लेना, जिसको हम फाइनल टेस्ट कहते हैं, फीडबैक वो होती है जो हम स्टूडेंट से लेते हैं कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा लगा, और हम स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं भी आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, यहाँ पे इम्प्रूव करना है। जैसे आज आपको फीडबैक मिली, आपको पता चला भी कैसे आपका जो एक्सपेक्टेशन थी ने लोगों ने रजिस्टर किया, आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो ये कंटिन्यूस फीडबैक मिलती रहती है, मिलती रहनी चाहिए भी एक अच्छे ट्रेनिंग सेशन में। नीड्स असेसमेंट क्या होती है, जो हमारा लर्नर है उसकी क्या नीड है, उसका स्किल गैप क्या है, ये यहाँ पे है हमारे को इसको यहाँ पे लेके जाना है, तो हमारे को उसकी नीड के हिसाब से उसको लर्निंग करवानी होती है। फिर साथ साथ में हम जैसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, रिकैप करते हैं, जैसे आपसे हमने सुबह एक क्विज किया, वो इसे पता चलता है भी जो हमारे सामने लर्नर है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिर पार्टिसिपेंट के कमेंट्स हमारे को लेनी चाहिए, कहते हैं ट्रेनिंग के बाद में पोस्ट इवैल्यूएशन करते हैं, अभी पता चले कि आप जो सिखाना चाहते वो सीख पाए, और जो लोग सीख पाएंगे उनको मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर इससे बनता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर अगली ट्रेनिंग के लिए अगला इम्प्लीमेंटेशन प्लान। कुछ ट्रेनिंग टिप्स जो हम सबको एज ट्रेनर्स इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये स्क्रीन आपके सामने है, हमेशा ऑनेस्टी से रहिएगा, कोई भेदभाव की भावना कभी भी रखनी चाहिए, किसी बात का भी कोई भी हो तो हम अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और इंफॉर्मेशन किसी से क्लियर कर सकते हैं, और कुछ हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसके साथ हम बच्चों के साथ वो शेयर कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल होते हैं हम अपने शेयर कर सकते हैं।
अपने ट्रेनी को ही, लर्नर को ही हम एज अ रिसोर्स के रूप में काम कर सकते हैं। कई बार हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं हाँ जी अभी अभी आप बताओ, अभी आप आइए सामने आइए और ये छोटा सा सेशन आप कर दीजिए, ये स्क्रीन आप कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हम एज अ रिसोर्स यूज कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ अथॉरिटीज की साइटेशन देनी है, क्वेश्चन आंसर्स इनवाइट करने होते हैं, और हमेशा एम्पथी होती है दूसरों, अपने आप को दूसरों के स्थान पे रख के। अगर हम देखते हैं अभी अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसा फील करता, तो आपका ट्रेनिंग का तरीका भी वैसा होना चाहिए एम्पथी करके। ओके, एक बहुत बड़ी बात होती है खास करके जब ट्रेनर नया होता है उसको एक घबराहट रहती है, अभी स्टूडेंट के सामने कैसे मैं फेस करूंगा, कैसा होगा मेरे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसको हम स्टेज फ्राइट कहते हैं, घबराहट, लोगों को फेस करने की घबराहट। ओके, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कैसे हम इसको कम से कम दूर कर सकते हैं, अपना जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको हमारे को याद होना चाहिए, और फिर ये हमारे को बार बार ये कहना चाहिए नहीं मेरे को इसके बारे में पूरी नॉलेज है, ज्ञान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ओके, तो जो आपको मटेरियल मिला होता है उसको थॉरली पढ़िए, अलग अलग एक्टिविटीज, इससे आपकी टेंशन रिलीज होगी। कई बार घबराहट होती है तो गहरा सांस भी लेना पड़ता है, और कई बार तो शीशे के सामने जाके एक दिन पहले कुछ बोलना भी पड़ता है, उसको कहते हैं हम रिहर्सल भी कर सकते हैं, कुछ बातें करते हैं भी, कुछ अच्छे गुण जो ट्रेनर के होते हैं वो आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो वो उसकी जो डेमोन्स्ट्रेट करता है वो किस एक एक स्टेप को सही ढंग से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे, और उनको चाहिए भी जो टास्क दिया जाता है स्टूडेंट्स को वो पूरा कर रहे हैं, अगर उनकी कोई डाउट है वो क्लियर हो रही है, और साथ साथ ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, और स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए काफी समय दीजिए, इनकरेज कीजिए, वो प्रश्न पूछें, कभी भी उनसे दबाव नहीं, उनको भी आप कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, और अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको हम वेरी गुड मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है, अपने लर्नर्स को मोटिवेटेड रखेंगे तो लर्निंग चलती रहेगी, मोटिवेशन नहीं तो लर्निंग नहीं। ओके, कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए, अपना हमेशा फायदा ढूंढना, मेरे को क्या मिलेगा, ये अच्छी बात नहीं है एक ट्रेनर के लिए, या आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसके काम में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप फोन ही नहीं छोड़ रहे, व्हाट्सएप पे खेल रहे हो, पढ़नी शुरू कर दी, किसी बाहर चल के अपने दूसरे साथी से बातें करनी शुरू कर दी, ये बात अच्छी नहीं है, या पेशेंस नहीं रहनी, क्लास पे समय पे आना नहीं, आप कैसे बोलते हो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, आपके शब्द नहीं अच्छे, आपके बोलने में कोई कमजोरी है, आपकी राइटिंग बुरी है, या आपकी लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, हमारे जो समझने वाले हैं कुछ समझ रहे हैं और हम लैंग्वेज कुछ बोल रहे हैं, हमारे को लैंग्वेज वो यूज करनी चाहिए जो आगे वाले समझ सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स देते हैं आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए, हमेशा सीखते रहिए, लिसन एक्टिवली, अपना रिसर्च करते रहिए, अपनी प्लानिंग बनाते रहना है, अपने डिलीवरी स्किल्स, प्लेटफॉर्म स्किल्स जिनके एक्चुअली हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इनको डेवलप कीजिए, और अपना जो कंटेंट की प्रैक्टिस है, जो हमारे पास कंटेंट मटेरियल होता है उसको बहुत ध्यान से इंप्लीमेंट कीजिए, और कॉन्फिडेंट रहिए, आपके पास अथॉरिटी है, आप बहुत एक पॉइंट ऑफ अथॉरिटी से काम करते हैं, तो इसका आपको बहुत कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो सक्सेसफुल ट्रेनर कौन होते हैं, जो एंगेज रखते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, आप भी एक ग्रुप का हिस्सा होते हो, आपकी जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होते हैं लोगों को ध्यान में रखते, एक्टिविटीज प्लान करना, मेंटली फिजिकली प्रेजेंट होना, फीडबैक्स इनवाइट करनी,
और चेक करते हैं ना हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज होती है. ओके, प्रिपेयरिंग एवरीथिंग. ये देखिए आपके सामने है वेन्यू, सीटिंग अरेंजमेंट, अपने ऑडियंस को जानना, चेकलिस्ट बनानी, कौन कौन से मटेरियल्स यूज करने हैं, और लॉजिस्टिक्स होता है ये बाकी चीजों का भी ध्यान रखना कि क्या ट्रांसपोर्ट क्या होगी, कैसे होगा. तो ये सारी चीजें लॉजिस्टिक्स होती ही हैं. और अपनी तैयारी रखनी, अपने आप को कैसे आप ड्रेसअप होते हो, आपके शूज, आपकी ग्रूमिंग, ये बहुत कुछ बताती है. आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बताती है. तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सही रहेगी, आप कैसे प्रिपेयर्ड रहेंगे ट्रेनिंग के लिए. और फिर होता है अपने उस रूम को जहाँ पे ट्रेनिंग होनी है वहाँ पे सब सुविधाएं अच्छे से होनी चाहिए. टेम्परेचर, अच्छी हवा आनी चाहिए, लोगों के बैठने की जगह हो, प्रोजेक्टर अगर हो या वाइट बोर्ड हो या जो भी कॉपी पेंसिल हो, चाय पानी का अरेंजमेंट हो, ये एक सही मात्रा में और ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए. ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे लर्नर आते हैं जब हमारे पास पहली बार आते हैं तो थोड़ा सा उनको जाने की कोशिश भी करते हैं. बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो है कौन लोग हैं, क्या लेवल है, कौन सी बैकग्राउंड है, कितने पढ़े लिखे हैं, इनका माइंडसेट क्या है, किस वातावरण से आते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है. तो हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक्स की, और हमारे को देखना होता है कि हमारे ट्रेनीज किस तरीके से पहुंच पाएंगे ट्रेनिंग के लिए, क्या वहां पे उनको पहुंचने के लिए साइन बोर्ड्स हैं, उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे को इकट्ठी करनी होती है, उनका जो फॉर्म भरते हैं क्योंकि उसी पे उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह बनेंगे, कि हमारे को भी पूरा जानकारी सही से उतारनी पड़ती है. और फिर बहुत ज़रूरी है जो हम जिस वातावरण में हम अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं वो एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे हम मान लो या किसी गुफा में जहाँ पे ड्रम पड़े हैं, सीमेंट की बोरियाँ हैं या और अन्य सामान है, वहीं पे एक तरफ चार कुर्सियाँ लगा दी और वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर दी. तो एक अच्छा वातावरण चाहिए जहाँ पे सेफ हो. फिर वहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट ऐसी होनी चाहिए, आपसी मतभेद नहीं हो, हम फेयरनेस तरीके से काम करें. एक जेंडर सेंसिटिविटी भी आती है, हो सकता है हमारे लर्निंग क्लासरूम में कुछ महिलाएं रहती हों, तो क्या हमारे ऐसे एग्जांपल्स ना दें जो तब वो हमारे उचित ना हो, क्योंकि देखना पड़ता है, एक सेंसिटिविटी रखनी पड़ती है. किसी की धर्म की सेंसिटिविटी भी होती है, किसी का मजाक धर्म से नहीं उड़ाना चाहिए, जेंडर से नहीं करना चाहिए. तो ये सेंसिटिविटीज होती है. मेंटली और फिजिकल कंफर्ट हो, पीयर लर्निंग, पीयर का मतलब होता है साथी, एक दूसरे से हम कैसे लर्न कर सकते हैं उसको पीयर लर्निंग कहते हैं. हाँ, एक तो इंस्ट्रक्टर है ही, वो तो बताता ही है, बट पार्टिसिपेंट्स को भी इंकरेज करना चाहिए. तो हम जैसे कुछ डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो फिर हमको ये देखना चाहिए जो हमारा ट्रेनिंग हॉल है क्या उसकी कैपेसिटी अच्छी है. अगर 20 लोग का बैच है हमारा, 20 लोग बैठ पाएंगे, क्या वहाँ पे जाने का रास्ता सही है, क्या वहाँ पे उसकी एंट्री के लिए अगर कोई हमारे पास कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन भी आए क्या वो हमारे ट्रेनिंग हॉल में पहुँच पाएगा. और ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे हमारे को किसी भी एनवायरमेंट में हजार्ड नहीं हो, नंगी बिजली की तारें ना हो और ऐसे ना हो भी, और तार इधर से इधर जा रही हैं, रस्सियाँ लटक रही हैं, पंखा ऊपर झूल रहा है, वो कभी भी गिर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. फैसिलिटीज होनी चाहिए, हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल कहाँ है, ठंडा पानी की प्रोविजन होनी चाहिए, टॉयलेट की प्रोविजन होनी चाहिए जहाँ पे हमारे ट्रेनिंग कोई भी अपने आप को ईज कर सके. तो कुछ मैनेजमेंट रूल्स बनाते हैं, कुछ ग्राउंड रूल्स बनाते हैं, और हम वो रूल्स बना के डिस्प्ले भी कर देते हैं अपनी क्लास में. ये सब के जहन में होता है, ये होना चाहिए, ये होगा, ये नहीं होगा, ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड. तो वो भी जो आप रूल्स बनाते हो
ये सब चिपका दो नोटिस बोर्ड पे, सो दैट हर किसी को पता चले. ओके, तो इसके साथ हम ये कहते अंत में, जब आपका पूरा ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है, तो क्वेश्चन आंसर डाउट नहीं रहना चाहिए किसी के माइंड में. जो की कंसेप्ट्स हैं उनका रिवीजन होना चाहिए. फिर पार्टिसिपेंट्स को जो पोस्ट जो असेसमेंट है उनको कंप्लीट करना है. फिर जो भी हम फाइनल टेस्ट देते हैं उसके फॉर्म्स इकट्ठे करके, हर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उनकी असेसमेंट करके ऊपर रिपोर्ट करनी है, और अंत में सब पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू वेरी मच भी हमारे जरूरत होती है. तो हम ये आज सेशन में हमें ये कहा भी एक इंस्ट्रक्टर लेता है, वो कैसा लेता है, कुछ ट्रेनिंग टिप्स, कुछ हमने क्वालिटीज की बातें करी, सक्सेसफुल ट्रेनर क्या होता है, एक एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होती है, ट्रेनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर होते हैं, वेन्यू क्या होता है, ऑडियंस की जरूरत होती है, ट्रेनिंग लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, लॉजिस्टिक का मतलब कैसे ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने का क्या साधन होगा, साइन बोर्ड्स लगे हैं, कमरे का वो बाथरूम्स हैं, पानी पीने की व्यवस्था है वहाँ पे, और जो लर्निंग एनवायरनमेंट है क्या वो सेफ है, और कुछ ग्राउंड रूल्स के बारे में हम बात करेंगे. हमारा कुछ समय जो था, क्योंकि हमने आज काफ़ी छोटा काम किया, हमारा कुछ समय लगा, तो हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अभी आगे थोड़े से हम सेशंस को पूरा कंप्लीट करें, जो आज का हमारा जो प्लानिंग कहते हैं भी, किसी भी पोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज क्या होती. ओके, तो एक फीडबैक इंफॉर्मेशन, कौन से टूल्स अगर हमारे को सिक्योर करने होते हैं किसी ट्रेनिंग के लिए या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उनको हासिल करना, एक ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स बनाने, और कोई भी रिकॉर्ड को आगे सबमिट करना समय पे, ये बहुत जरूरी है. फीडबैक, आप देखो कुछ फीडबैक हम किसी को, किसी का गलती निकालनी हो, बहुत रॉन्ग रीजंस भी होते हैं. आज मेरे को गुस्सा आ गया, आज मेरे को आपका ट्रेनिंग बहुत नहीं हो सकता, आज मेरे को सुने हो मेरे को ये नहीं हो सकता, तो अलग अलग तरीके होते हैं. रॉन्ग रीजन नहीं होना चाहिए कभी हम फीडबैक दें, हमेशा फीडबैक सही रीजन से देनी चाहिए, क्योंकि आपका कमिटमेंट है, आप एक मेंटर हो, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको ये सब चीजों को देके राइट फीडबैक ऊपर देना चाहिए. तो अच्छे से अगर फीडबैक देंगे तो क्या होगा, लर्नर्स मोटिवेटेड रहेंगे और एंगेज रहेंगे, और वो अपना जो कोर्स कंटेंट है उसको जल्दी से क्लियर कर पाएंगे, उससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और ये इससे उनकी नॉलेज में रिटेंशन रहेगी. तो इस कारण जो हम बात करते हैं फीडबैक क्यों जरूरी है, तो फीडबैक का सबसे बड़ा कार्य होता है, एक बात कर चुके हैं, इससे जो लर्नर की परफॉर्मेंस होती है इसका भी पता चलता है, और इससे ये भी पता चलता है जो एज ए ट्रेनर वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको भी इसके बारे में पता चल जाएगा. अभी हम बताते हैं कि भी हमने कुछ ट्रेनिंग करनी होती है तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो होते हैं ट्रेनिंग सेशन के बाद, हम उनको कैसे सेफ्टी से जो अपनी जगह पे स्थान पे रखते हैं. तो ट्रेनिंग इक्विपमेंट हमारे हो सकते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, एलसीडी स्क्रीन हो सकती है, पॉइंटर, माइक्रोफोन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट जो है हमारे को उसको देखना है, उसको बड़े सिक्योर तरीके से उसको हमने ठीक करके रखना है. ओके, तो हम बात कर रहे थे जब भी हम ट्रेनिंग हमारी ओवर होती है तो जो भी हमारे पास ट्रेनिंग मटेरियल्स होते हैं ऐसे नहीं क्लासरूम में छोड़ के भाग जाए, उनको सेफ जगह पे रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. अगर मान लो ट्रेनिंग के दौरान कोई डैमेज हो जाता है तो उसको डैमेज अवस्था में नहीं छोड़ देना, उसकी रिपोर्टिंग करनी है कि किसको, सो दैट ऐसा ना हो अगली बार फिर ट्रेनिंग करना शुरू करे और वो काम ही नहीं करे. तो
तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी बातें हो जाती हैं। फिर जो भी हमने ट्रेनिंग कर चुके हैं उसका रिकॉर्डिंग, उसका जो रिकॉर्ड्स बनाने, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के अनुसार उसका रिकॉर्ड तैयार करना होता है, और वो रिकॉर्ड एक अथॉरिटी जो किसको हमने हैंड ओवर करना है उसको हैंड ओवर करना चाहिए, और हमारे को चेक करना चाहिए उसमें कोई एरर नहीं है। अगर मान लो कुछ एरर होती है तो रिकॉर्ड वापस लाइए, उसको ठीक करके और फिर वापस जमा कराइए। गलत रिकॉर्ड नहीं जमा कराना, क्योंकि ये ट्रेनर की ही जिम्मेदारी बनेगी, कभी भी पूछगिछ होगी तो वो ट्रेनर से ही की जाएगी। तो समय पे जरूरी होता है वो रिकॉर्ड्स को सबमिट करना। अगर किसी कारणवश कोई भी देरी होती है और उसका प्लीज उसको फटाफट आगे रिपोर्ट जरूर पहले कर दो, नहीं तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, क्योंकि एक जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनर के साथ साथ मैनेजर भी होता है और वो एक लीडर भी होता है। तो ये थी कुछ बातें जो हमने इस मॉड्यूल में की। फीडबैक क्यों जरूरी है, फीडबैक क्यों दिया जाता है, जैसे ट्रेनर और लर्नर का दोनों की परफॉर्मेंस का पता चलता है, तो ट्रेनिंग के बाद जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनको वापस क्यों जगह पे रखना होता है, रिकॉर्ड्स हमने जो बनाए उनको हमने रिकॉर्ड्स बनाने हैं और उनको रिकॉर्ड्स हमने सबमिट करने भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करते हैं कि ऑडियंस के बारे में। कभी भी हम जब ट्रेनिंग करते हैं हमारे को मालूम होना चाहिए भी किस किस्म के ऑडियंस हमारे पास हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, और उनका लाइक फिर उसके हिसाब से अपने हम रिसर्च करते हैं जो हमने ट्रेनिंग देनी है क्या वो समझ पाएंगे, और फिर कोई भी ट्रेनिंग के दौरान कोई भी हमने ट्रेनिंग करनी है तो हमारे को ये देखना पड़ेगा जो टूल्स इक्विपमेंट जिससे जिसके द्वारा हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो सही हो। कुछ चीजें ये पूछने की जरूरत होती है, ट्रेनिंग क्यों दी जाए। ओके, जैसे मान लो एक मैं छोटा सा उदाहरण लेता, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक किसी को सिखाना है साइकिल टायर को पंचर करना, तो हम पूछते हैं इसकी क्या क्यों करना चाहते हैं, तो देखते हैं अभी बहुत कमी है, बहुत लोग के टायर पंचर हो जाते हैं, बहुत दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, फिर हम अगर नहीं है तो हम इसका स्किल गैप कैसे फिक्स कर सकते हैं, कौन लोग होंगे जिनको ट्रेनिंग करनी होगी, अभी उनको कितना आता है, क्या साइकिल का जो पंचर लगाता है वो गाड़ी को पंचर लगा सकता है, गाड़ी के टायर को पंचर लगा सकता है, तो ये स्किल गैप हमारा देखा जाएगा। फिर उसको कितनी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, भी वो साइकिल का पंचर लगाते लगाते अभी कार का पंचर भी लगा ले, ट्रक के टायर का पंचर भी लगा ले, और फिर उसको कितना समय लगेगा, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कुछ प्रिपेयरिंग की, सबसे पहला काम होता है प्रिपेयर करना, फटाफट बैकग्राउंड करो, जैसे मैंने उदाहरण दिया ये कौन लोग जो ट्रेनिंग करेंगे इनको क्या फायदा होगा, तो उनको करना, और फिर एक तरीके से एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, हम ये ट्रेनिंग को कैसे कर सकते हैं। ऑडियंस के बारे में जानना जरूरी है, ऑडियंस मतलब के जो हमारा लर्नर हमारे पास आते हैं, क्योंकि वही तो लोग हैं जो हम बताना चाहते हैं, वही तो दे आर टेकर्स, वही तो लेने वाले हैं, वही तो खरीदार हैं जो हम बताना चाह रहे हैं, तो वो क्यों ट्रेनिंग करेंगे, कैसी ट्रेनिंग करेंगे। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, हम जितना उनके बारे में, और इसको कहते हैं हम ऑडियंस एनालिसिस, लर्नर के बारे में रिसर्च करनी है वो क्या चाहते हैं ट्रेनिंग में, तो ये आपके सामने काफी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये प्लीज आप इनको अच्छे से पढ़िए भी। तो जितना हम ट्रेनिंग को जाने उतना ही हमारे लिए इफेक्टिव हो, और कुछ ऐसे वातावरण खड़े हो जाते हैं लास्ट मिनट पे, हमने उनको कैसे टैकल करना है, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है,
तो ऐसे कई चीजें हमारे को उनको हैंडल करनी आनी चाहिए। तो ये जो इस एनालिसिस का क्या फायदा होगा, इस एनालिसिस का ये फायदा होगा, हमारे को पता चलेगा हमारे आज जो लर्नर हैं वो उनको इतना आता है, इतना हमारे को सिखाना है और अभी कितना गैप, तो ये हमारे को पता चलेगा। तो इससे गोल्स अच्छे सेट कर सकेंगे और लर्निंग आउटकम्स हम डिफाइन कर सकेंगे, और हम ये भी देख सकेंगे हम उनको अभी कितना देरी में, कितने टाइम में हम वो साइकिल को पंचर लगाने वाले आदमी को हम बस के टायर का पंचर लगाने वाला बना सकेंगे क्या? ये मैं एक बड़ी सिंपल सी उदाहरण मैंने ली हुई है। तो जब हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर हमने इसी की करनी है, कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की जाए, कितना एरिया चाहिए, कितना समय लगेगा, क्या उसको चाय पानी की पड़ेगी, तो क्या वहां पे लोगों को अगर बाथरूम जाना होगा, वॉशरूम जाना होगा, तो कहाँ जा पाएंगे वो सुविधाएं, फैसिलिटीज हमारे पास, बोथ मेल्स फीमेल्स आएंगे तो उनको लिए भी टॉयलेट फैसिलिटी चाहिए होगी। कई बार हमारे पास थोड़े डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आ जाते हैं, उनके लिए भी टॉयलेट्स की ज़रूरत होती है। और जितना हम ये रिसर्च करेंगे इससे हमारे को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा, ये हमारे लिए ही एक टूल बन जाएगा, इससे हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इससे अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट होगी उसको सॉल्व कर सकेंगे, और इसके साथ हम अपनी नॉलेज बहुत शेयर कर सकेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं जिनसे हम ये बात कर सकते हैं। रिसर्च कहाँ से आए, लाइब्रेरीज, बुक्स, मैगजीन्स हैं, इंटरनेट है हमारे पास, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग लिखते हैं, किताबें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो बहुत सारे चीजें हैं हमारे पास जहाँ से हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी रिसर्च कर सकते हैं। नोट्स बनाइए, कुछ भी जो चीज कर रहे हैं उसमें नोट्स बनाइए, और वो नोट्स का अगर हमारे को बताना भी पड़ेगा रेफरेंस, बहुत सारे रिसर्च पेपर में लिखा होता है कि ये कहाँ से हमने इसका उदाहरण उठाया गया। तो एक मटेरियल की, एक जो भी हम करते हैं, कभी भी एक ट्रेनिंग की बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, तो उसको चेक करना चाहिए, सीटिंग चेक करनी चाहिए कि जिस इक्विपमेंट से हम काम करना चाह रहे हैं उसको हमारे को चेक कर लेना चाहिए, हर टूल इक्विपमेंट जो भी चाहिए वो काम करने वाला हो और वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और एक प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई इसे नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो जरूरी है। अगर कोई बात करें जहां पे इंजरी का खतरा है, तो हमारे को वहां पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी डालने की जरूरत होती है। बाकी सब मटेरियल वो सही काम कर रहा हो वो इंश्योर करना चाहिए वो सारा हमारे पास हो। तो एक अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने ये कहा कि हमारे को लोगों की एक्सपेक्टेशंस माप लेनी चाहिए, और कैसे हम अपनी ऑडियंस को जान पाए, ऑडियंस को जाने जानने के बाद हमारे को पता चलेगा हमने क्या ट्रेनिंग करनी है, कितना टाइम है और क्यों करनी है, कहाँ करनी है, आपको क्या रिसर्च करना पड़ेगा, कौन से मटेरियल्स और इक्विपमेंट हमारे को उसमें चाहिए होते हैं। तो एक और मॉड्यूल है, बहुत छोटा सा मॉड्यूल ये है, और वो मॉड्यूल इसके बारे में है कि एक्टिविटी होगी, हमारी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद क्या, तो उसके बाद क्या होती है, कोई भी आप ये सामने अपने पढ़ सकते हैं, ये हमारे को इससे अपने ट्रेनिंग सेशंस की क्लेरिफिकेशन मिलती है, और कोई भी डेमोन्स्ट्रेट करना तो उससे क्या होता है, ऑडियंस की नीड के हिसाब से हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे और सारे स्टेप्स अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं, अभी पहले बात की थी प्रेपरेशन की, अभी बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट करने की। कोई भी प्रैक्टिकल सेशन हमने करना होगा तो उसको प्रैक्टिकल सेशन कैसे करेंगे। ओके, तो हमारे को ये देखना होता है एक इसकी क्लैरिफिकेशन देनी होती है भी क्यों करना है, और
हर लर्नर को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्यों कर दी जाइए और कहाँ पे होगी, इसका क्या लर्निंग ऑब्जेक्ट होगा, क्या मटेरियल्स होंगे, क्या टेक्निक यूज करेंगे, इसका प्लान क्या रहेगा। इसके साथ हम क्या करते हैं, हमारी एक टेक्निक रहती है, हम स्टूडेंट्स के साथ एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन करने से हम उनको बताते हैं आज हम ये डिस्कस ये काम करने वाले हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, आप क्या समझना चाहते हैं यहाँ पे, उसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन भी होता है पार्टिसिपेंट्स थोड़े कंफर्टेबल फील हो जाते हैं, कम्युनिकेशन एक दूसरे से बढ़ जाता है जब हम डिस्कशन करते हैं साथ करते हैं, तो इससे हमारे को ऑडियंस की नीड्स का भी बारे पता चल जाता है, हमारे पास सामने ग्रुप है उनको हम जान सकते हैं, प्रैक्टिकल करने वाले ही हैं वो हम कैसे कर रहे हैं। अगर आप ये देख एक ये फिगर है ट्रेनिंग के पहले कैसा कोई बिहेवियर था किसी का, कितने टाइम में हमने कुछ एफर्ट लगाए, उसको कुछ थ्योरी करवाई, कुछ हमने उसको प्रैक्टिकल करवाया और कैसे उसका फाइनल बिहेवियर चेंज हो गया, मतलब कि एक अनट्रेन्ड बंदे से वो कैसे बन गया। तो ये यहाँ पे जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करवाते हैं उसका ये बेनिफिट मिलता है। तो मॉड्यूल 7 में हमने ये देखा डेमोन्स्ट्रेशन कैसे की जाती है, क्या होती है, क्या होती है, ऑडियंस नीड क्या होती है और एक सही ढंग से डेमोन्स्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अभी हम एक बहुत छोटा सा सेशन है, मेरे को पता है हम 10-15 मिनट आज ज्यादा लगा रहे हैं, तो ये कहेंगे ये मॉडल हम अगले 5 मिनट में इसको क्लियर कर देंगे। और ये होती है अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सवेरे आज बताया था जॉब ट्रेनिंग क्या होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसी भी पहले थ्योरेटिकल ट्रेनिंग देने के बाद किसी को जब प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग देते हैं और फिर हम उनको तैयार करते हैं एक रियल जॉब के लिए, तो इस मॉड्यूल में हम यही देखेंगे सेफली हम किसी को भी ऑन जॉब द ट्रेनिंग मटेरियल्स की ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़ सके और एक आसान और सुगम तरीके से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए तैयार हो पाए। तो इसमें दो टर्म्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, एक हम कहते हैं टेक्निकल स्किल्स और दूसरे कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स वो टेक्निकल स्किल्स होती हैं जो करना जरूरी है किसी काम को करने के लिए, टेक्निकल नॉलेज जैसे एक इलेक्ट्रीशियन को मालूम होना चाहिए भी कितनी वोल्टेज आती है, क्या एम्पियर होता है, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, किस जगह पे कितनी मोटी तार लगाई जाती है, कहाँ पे कौन सी स्विच लगेगी, ये इसके टेक्निकल नॉलेज। सॉफ्ट स्किल्स वो होते हैं, हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, सब आया, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आके क्या स्माइलिंग फेस है हमारे से बात करता है और क्या हमारे से रिलेशनशिप बना सकता है, समय पे अपना काम कर सकता है, ऑनेस्टी से कर सकता है, ये वाले हैं हम इनको कहते हैं सॉफ्ट। तो किसी भी वर्क के ये दोनों स्किल्स एक ही मात्रा में एक किस्म के स्किल से काम नहीं चलेगा, दोनों ही टेक्निकल भी और सॉफ्ट स्किल्स भी। दो बातें आती हैं, एक हम कहते हैं सिमुलेशन और एक कहते हैं हम ऑन जॉब ट्रेनिंग।
सिमुलेशन, सिमुलेशन हम जो बात करते हैं, कई बार अपने ट्रेनिंग सेंटर में एक रियल वर्किंग सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं, जितनी वो रियल अपनी वर्कशॉप उसको हम कहते हैं सिमुलेशन, पर वो रियल नहीं होती, रियल जैसी होती और दूसरी होती है जॉब ट्रेनिंग जो एक उसी वातावरण में ट्रेनिंग होगी जो रियल जॉब में होगी। जैसे हम बात करते हैं किसी को, अगर हमने मोटर मैकेनिक की बात करते हैं या हम किसी को मान लो रिटेल में हम किसी को सिखाते हैं कैसे कस्टमर के साथ डील करना है, हम अपनी क्लास में बता रहे हैं, फिर मे बी उसका कुछ दिन के लिए 15 दिन के लिए हम उसको किसी शोरूम में अटैच कर देते हैं एज अप्रेंटिस, वो ऑन टॉप देख देख के उस एनवायरमेंट में काम कर रहा है, जो क्लासरूम में उसने सीखा होता है उसको अभी इंप्लीमेंट करता है, उसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओ जे टी के नाम से ये जारी जानी जाती है। ओके, तो इससे क्या है, इससे फोकस होता है की कॉम्पिटेंसीज, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, इससे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल तरीके से कर पाते हैं और ये जो इससे पर्सनल की डेवलपमेंट होती है और जो भी लर्निंग की यहाँ पे अभी उसको रिफ्लेक्ट होनी शुरू होती है। हमें क्लासेस में बहुत पढ़ाते हैं गुड मॉर्निंग ये करते हैं, क्या वो भी कस्टमर के सामने कर रहा है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये ओजीटी में मिलेगा उसको। ओके, तो ओजीटी में भी ये होता है भी हमारा बैच साइज कितना है, कितने लोग जाएंगे, कितना इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी जगह पे चाहिए, तो ये सब इसका हमारे को पहले एनालिसिस करना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है जितने टूल्स एनवायरनमेंट में वो काम करे वो सेफ हो, वो सिक्योर हो। कभी भी ओजीटी में हम जब बच्चा लेके जाते हैं तो वो नॉर्मली क्या एनवायरनमेंट होनी चाहिए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होनी चाहिए, जो लर्नर जब जाता है ओजीटी में उसका अच्छा ग्रीट कोई किया जाए, तो फिर वर्कशॉप में जाके या ओजीटी में जाके उसको पहले समझाया जाए और वो एक अच्छा से उस एनवायरनमेंट चाहिए, लर्नर को ओजीटी में भेजें, ऐसे गंदे एनवायरनमेंट में ना भेजें जो सेफ नहीं हो, जो साफ सुथरी ना हो, ये हमारे को एज ए ट्रेनर चुनना पड़ता है, हमने अपने लर्नर को कहाँ भेजना है, एक अच्छी एनवायरनमेंट में भेजना है, तो जो हम चाहते हैं उसका लर्निंग आउटकम क्या हम वो निकाल पा रहे हैं, तो उनको हमेशा ब्रीफ करना चाहिए अपने ट्रेनीज को हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में, तो ये बहुत जरूरत है, और वातावरण के बारे में, कोई चीज प्लास्टिक बाहर नहीं फेंकनी है, ये वातावरण खराब होगा, हमने किसी केमिकल के साथ काम कर रहे हैं तो अपने हाथों पे ग्लव्स किए या उसको हम सफाई करें, तो हमारे को जो भी सेफ्टी के रूल्स हैं उनको ट्रेनी से स्ट्रिक्टली एडहायर करवाने की जरूरत होती है। ओके, तो जब डेमोन्स्ट्रेशन, जब वो कार्य जो अभी ओजीटी में उस वर्कशॉप में जाए वहां पे उसको क्लियर बताना चाहिए अभी आप यहाँ से क्या सीखोगे, हर एक स्टेप को क्लियरफुली किसी भी लर्नर को समझाना चाहिए और फिर लर्नर के हाथों द्वारा वो कार्य करवाना चाहिए, मे बी एक बार नहीं, शायद दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक वो उस कार्य में परफेक्ट नहीं हो जाता और वहाँ पे वो पक्की अपनी जॉब करने के में उस में इतना सक्षम नहीं हो जाता, तब तक उस सफिशिएंट उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो फिर कोई भी उसकी क्वेरी हो उसको प्लीज क्लियर करना, मजाक नहीं उड़ा देना, कई बार हम बहुत टेक्निकल बातें हैं वहाँ पे कोई करते हैं, कोई इंजीनियर होगा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है वो टेक्निकल बात नहीं, तो जब उनके साथ होते हैं जब ट्रेनर भी साथ होता है तो हमारे को चाहिए एक सिंपल लैंग्वेज में उसकी भाषा में, अभी आप सामने ग्राफिक कर रहे हैं एक बंदा बोल रहा है या टेक्निकल बोल रहा है दूसरा सिर्फ कुछ उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में बताने की जरूरत होती है और एक सेफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। आप जैसे चित्र में देख रही हैं
कोई गिर ना जाए, कोई स्लिप ना हो जाए, किसी के पैरों में ना जाए। जो हमारी कई बार रास्ते में दरवाजे में हमने कोई तेल रख दिया होता है, बहुत सारे फैक्ट्रियों में वर्कशॉप्स बहुत ऐसे हजार्ड्स होते हैं, हमारे को उसमें से जरा देखने की जरूरत है। तो इस मॉड्यूल में हमने कहा कि टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, ODT और सिमुलेशन क्या होती है, ODT रियल लाइफ और सिमुलेशन होती है क्लोज टू, एक रियल लाइफ के नजदीक। तो जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल रहेगा हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे ओजीटी में, ताकि हमारे स्टूडेंट में, हमारे लर्नर में एक अच्छा वर्क स्किल आ जाए। तो कोई भी इक्विपमेंट जो यूज करते हैं ट्रेनिंग में या ओजीटी के लिए, उसको हैंडल कैसे करना है, और ये सारा काम करने के बाद एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट और साफ सुथरी जगह पे छोड़ के जाने की जरूरत होती है। ओके, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम।